इज एवरीथिंग ओके? एक बार आवाज चेक कर लीजिए, वॉइस इज ओके, एवरीथिंग इज ओके, कैन वी स्टार्ट? गुड इवनिंग एवरीवन, इज एवरीथिंग ओके? एक बार आवाज चेक कर लीजिए. Good evening, everyone. Give me that tripod. चलिए, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. आई होप ये कुछ प्रोसीजर मांग रहा है. आई थिंक वी शुड एस्केप इट. चलिए, गुड इवनिंग एवरीवन, अ वेरी 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 गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू. तो भाई चलिए करते हैं आज के इस धमाकेदार सेशन को स्टार्ट. आई होप आप सभी ठीक होंगे, फाइन होंगे. यस, चलिए जल्दी से फटाफट लाइक कर दीजिए सभी. और आज का जो सेशन है दैट इज गोइंग टू बी लाइफ चेंजिंग, क्योंकि कुछ ऐसा कॉन्टेंट लेकर आया हूं जो कि बहुत ही मजेदार है, शानदार है और लैंग्वेज लर्निंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. तो मैं चाहता हूं सबसे पहले तो आप अपने ब्रेन को प्रिपेयर कर लें, क्योंकि मैं है ना आपको कल जो पढ़ाया था उस पर बेस्ड कंटेंट आपसे पूछूंगा. प्रैक्टिकली आपसे जो मैं पूछूंगा उसके आपको आंसर करना है, और आज जो टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा उसको कैसे प्रिपेयर करना है इसके बारे में भी आज हम डिस्कस करेंगे. तो मैं चाहता हूं कि पूरा आप लोग पूरी तरह से प्रिपेयर रहें, और जितनी भी चीजें जो हम पढ़ेंगे आज या जिसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो सारा का सारा कंटेंट जो है बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा. तो आप पूरी तरह से यहां पर फोकस करें और हर एक चीज को समझने की कोशिश करें. चलिए तो करते हैं स्टार्ट. अ वेरी 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 गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू. तो भाई आज संडे स्पेशल क्लास भी, आप में से जिन लोगों को नहीं पता है मैं हर संडे लाइव आता हूं, लाइव क्लासेस लेता हूं, तो उसी तर्ज पर आज की संडे की क्लास भी मान लें आप. और आज आप लोगों का सेकेंड डे है. जी हाँ, स्पोकन इंग्लिश का सेकेंड डे. अब आप कहेंगे सर स्पोकन इंग्लिश का सेकेंड डे, जी. तो मैं बताना चाहूंगा आप लोगों को कि स्पोकन इंग्लिश का सेकेंड डे से मेरा मतलब क्या है. सेकेंड डे मतलब कि आपको ये आज पता चलने वाला है कि इंग्लिश को हमें सीखना कैसे है ना. आज मैं आपको बताऊंगा कि थ्रू आउट द वीक, मतलब कल से जब आपकी क्लास, चूंकि मैंने आपसे जैसा प्रॉमिस किया कि मैं सप्ताह में दो दिन सैटरडे और संडे और कभी कभी फ्राइडे भी क्लास ले लिया करूंगा, मतलब इन शॉर्ट सप्ताह में दो से तीन दिन आपको लाइव क्लास मिलेंगी. तो इसके बीच में आपको कैसे प्रिपेयर करना है, कैसे अपने आप की प्रैक्टिस कंटिन्यू रखनी है, उसके बारे में भी आज हम डिस्कस करेंगे. तो सारी चीजें डिटेल में स्टडी करने वाले हैं हम लोग. चलिए बिल्कुल मजे के साथ आज के सेशन को शुरू करते हैं. देखो लैंग्वेज लर्निंग में कल मैंने आप लोगों को बताया था कि आपका सेंटेंस मेकिंग सॉलिड होना चाहिए, ठीक है. आपका सेंटेंस जितना ज्यादा स्ट्रांग होगा, आपका सेंटेंस मेकिंग जितना शानदार होगा, उतना शानदार आपका परफॉर्मेंस होता है. इसका मतलब यह हुआ कि आपका लैंग्वेज परफॉर्मेंस डिपेंड करता है आपका सेंटेंस मेकिंग पर. जी हां, योर लैंग्वेज परफॉर्मेंस डिपेंड्स ऑन योर सेंटेंस मेकिंग. अगर आपने सेंटेंस मेकिंग अच्छे से कर लिया, आपने सेंटेंस अच्छे से बना लिया, मतलब लैंग्वेज को आप आसानी से सीख जाओगे. तो उसी सीरीज में आपको सबसे पहले एक शॉर्ट में समझना होगा कि एग्जैक्टली सेंटेंसेस होते क्या और कितने प्रकार के होते हैं. तो मेनली सेंटेंसेस के जो टाइप होते हैं स्टूडेंट्स वो कुछ पांच प्रकार के होते हैं, ज्यादा नहीं, सिर्फ दो मिनट के अंदर ये मैं बताना चाहूंगा क्योंकि कहीं ना कहीं इसकी समझ हमको होनी चाहिए, दैट इज वाई. तो सेंटेंस के पांच टाइप होते हैं जिनमें सबसे पहला जो आपका सेंटेंस का टाइप होता है दैट्स कॉल्ड असर्टिव, जिसको डिक्लेरेटिव भी कहते हैं हम लोग. ये सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं स्टूडेंट्स, पहले होते हैं अफर्मेटिव और दूसरे होते हैं नेगेटिव. सबसे पहली चीज ये समझनी है आपको.
कि आपके जो सेंटेंस है ये सेंटेंस आपके पांच प्रकार के होते हैं, जिनमें पहली कैटेगरी है असर्टिव, और असर्टिव सेंटेंस दो प्रकार के, अफर्मेटिव नेगेटिव। आई थिंक यू मस्ट हैव हर्ड दीज टू नेम्स, अफर्मेटिव एंड नेगेटिव, सकारात्मक एंड नकारात्मक इन हिंदी, देखो दे आर कॉल्ड। सो अफर्मेटिव एंड नेगेटिव, आई थिंक सब लोग आप इससे परिचित तो होंगे ही। सेकेंड कैटेगरी सेंटेंसेस की होती है स्टूडेंट्स इंटरोगेटिव, है ना, इंटरोगेटिव इन हिंदी दे आर कॉल्ड प्रश्नवाचक। तीसरी कैटेगरी होती है इंपेरेटिव। आज आपको बता दूं, मैं आज आपको इंपेरेटिव भी पढ़ाने वाला हूं, दैट इज वाई आज मैं आपको इंपेरेटिव और इंटरोगेटिव दोनों की समझ डेवलप करूंगा, आपके ब्रेन को प्रिपेयर करूंगा कि प्रैक्टिस कैसे करनी है, और आपको काफी सारे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हमारे टेलीग्राम ग्रुप में प्रैक्टिस के लिए मिलेंगे आज। तो बहुत ही मजेदार आज का सेशन होने वाला है। जिन लोगों ने लाइक नहीं किया ना, जल्दी से लाइक कर दो, देख ज्यादा लोग रहे हैं, लाइक अभी कम मिला है, जल्दी फटाफट फटाफट लाइक करने चाहिए। चलिए, तो इंपेरेटिव तीसरी कैटेगरी हो गई। चौथी होती है ऑप्टेटिव, और लास्ट में एक कैटेगरी होती है एक्सक्लेमेटरी। तो भाई इस तरीके से आपके सेंटेंसेस की कुछ पांच कैटेगरीज होती है, और इन पांच कैटेगरीज में दुनिया के सारे सेंटेंसेस आपके आ जाते हैं। कोई सा भी सेंटेंस आप बोल लीजिए, वो इन पांचों में से ये इससे बाहर है ही नहीं। जैसे आपने कहा देखो वहां, इंपेरेटिव सेंटेंस है, मैं उसे नहीं जानता, असर्टिव सेंटेंस है, क्या आप मेरे बारे में कुछ जानते हो, इंटरोगेटिव सेंटेंस, वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन, एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस है, मे यू लिव लॉन्ग, ऑप्टेटिव सेंटेंस है। तो कोई सा भी सेंटेंस आप बोल दो यार, हिंदी में बोल दो, इंग्लिश में बोल दो, इन पांच से बाहर नहीं, इन पांचों में ही। इसका मतलब ये हुआ कि सर अगर ये पांचों सेंटेंस हमको समझ में आ गए तो इंग्लिश आ जाएगी, ऑब्वियसली आ जाएगी, 100% आ जाएगी। लेकिन आपको याद रखना है कि कॉन्सेप्ट सेंटेंस को कितना सीखना है। आपको बताना चाहता हूं कि स्पोकन इंग्लिश में असर्टिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस का ही पूरा खेल है। मतलब आपके लैंग्वेज में 80-90% आपका जो कॉन्वर्सेशन होता है, आपकी जो बातचीत होती है, उसमें 80-90% सेंटेंसेस असर्टिव और इंटरोगेटिव होते हैं। जब भी आप किसी से बातचीत करते हैं तो आप कहते हैं मैं जा रहा हूं, मैं आ रहा हूं, मैं आऊंगा, मैं आऊंगा, मैं आ सकता हूं, मुझे आना चाहिए, तुम कहां हो, तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या करते हो, तुम क्या कर सकते हो, तुम्हें क्या करना चाहिए, मैं क्या कर सकता हूं, ऑल दिस स्टेटमेंट्स, ऑल दिस सेंटेंसेस दैट आई हैव स्पोकन राइट नाउ, ये सब असर्टिव और इंटरोगेटिव है। इसके अलावा कुछ 5-10% इंपॉर्टेंस होती है इंपेरेटिव सेंटेंस की, और बाकी जो भी आप इनमें से बच गया वो आपके ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी होते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि हमें सबसे ज्यादा फोकस किस पर करना होगा, जी हाँ स्टूडेंट्स, हमें करना होगा अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के ऊपर ज्यादा फोकस करना होगा। अगर इन पर हमने ज्यादा फोकस किया, मतलब हमारा लैंग्वेज का ग्राफ भी अपने आप बढ़ जाएगा, राइट? कितनी प्यारी बात बोली, समझ में आ गई तो लाइक ठोक दो। तो मैंने बताया कि भाई लैंग्वेज सीखने में पांच प्रकार के सेंटेंसेस की समझ डेवलप करनी होती है। भाई पांच प्रकार के आपके सेंटेंसेस होते हैं। पहले असर्टिव, दे आर ऑल्सो कॉल्ड डिक्लेरेटिव, दे आर हैविंग टू कैटेगरीज, अफर्मेटिव नेगेटिव। नाउ वी हैव द नेक्स्ट वन, दैट इज द इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव की भी दो कैटेगरी, भाई पहले जिनकी शुरुआत होती है हेल्पिंग वर्ब से, और दूसरे जो है वो डब्ल्यूएच वाले। पहले जिनकी शुरुआत किससे होती है, हेल्पिंग वर्ब से, क्या आप मुझे जानते हो, क्या पढ़ाई करते हो, क्या आप इंग्लिश सीखते हो, क्या आप इंग्लिश बोलते हो, क्या आपका है, क्या आप मुझे जानते हो, क्या आप लिख रहे हो, क्या आप सो रहे हो, क्या आप सोते हो, क्या वहां जाओगे, क्या वह आपका दोस्त है, क्या आप इंदौर में रह रहे हो 2 साल से, हैव यू बीन लिविंग इन इंदौर फॉर 2 years। सो दिस इज द हेल्पिंग वर्ब क्वेश्चन। सेकंड होता है डब्ल्यूएच। डब्ल्यूएच मीन्स कब, क्यों, कहां, कैसे, किसके साथ। कब, क्यों, कहां, कैसे, किसके साथ। कमऑन, कब, क्यों, कहां, कैसे, किसके साथ। अब आप क्यों जा रहे हो, अब कैसे जा रहा हो, कब जाओगे, अब किसके साथ जाओगे, आप कब आओगे। All these sentences that I have spoken are W sentences. तो आपको यह सीखना होगा सबसे पहली चीज कि लैंग्वेज लर्निंग में सेंटेंस की पांच कैटेगरी हो गई। उन पांच कैटेगरी में दो कैटेगरी असर्टिव और इंटरोगेटिव होती है, जिस पर कि लैंग्वेज का पूरा खेल डिपेंड है। अगर आपको सीखना है, राइट, अगर आपको अच्छे से अच्छा सीखना है, अच्छे से अच्छा अपने आप को इंप्रूव करना है, अपनी स्किल्स को बढ़ाना है, अपने नॉलेज को बढ़ाना है, अपने अंदर इंप्रूवमेंट लेकर आना है, तो भाई सबसे पहला काम यह करना होगा कि हमको सेंटेंस के नेचर को समझना पड़ेगा। क्योंकि जब तक मैंने कहा ना, सेंटेंस का नेचर आपको समझ में नहीं आएगा, चीजें आपको टफ लगेंगी, चीजें आपको कॉम्प्लिकेटिव लगेंगी, और मैं आपके सेंटेंस के नेचर को आपको समझाने के लिए ही तो आया हूं भाई, इसलिए तो मैं यहां हूं, है ना। तो हम लोग डायरेक्ट पॉइंट पे बात करते हैं। तो कल मैंने आपको जो सेंटेंस पढ़ाए थे वो असर्टिव थे, जो मैंने आपको बताया था कि इसमें वर्ब ऑफ टू बी और वर्ब ऑफ टू हैव की फॉर्म में, अगर आपको याद हो तो मैंने कल आपको टू बी और दूसरा मैंने आपको पढ़ाया था टू हैव, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि भाई टू बी मीन्स जो करता है सब्जेक्ट, इसके कुछ होने का बोध आप करवाओ, कुछ या फिर कहीं। और इसमें मैंने आपको बताया था कि जो सब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट के पास कुछ हो, जैसे एक स्ट्रक्चर में लिख रहा हूं फॉर एग्जांपल, आपके पास जो जो ऑब्जेक्ट्स हैं, है ना, जो आप बताते हो वो चीज को, भाई मैंने कहा मेरे पास समय है, आई हैव टाइम, मेरे पास एक कार है, आई हैव अ कार, मेरा एक भाई है, आई हैव अ ब्रदर, मेरी एक सिस्टर है, आई हैव अ सिस्टर। तो इस तरीके से जो भी है, जो भी था,
और जो भी होगा, है ना, वो सिचुएशन आपकी जो है इसमें जा रही थी, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, इसमें हमने इसको स्टडी किया था। इसके बाद जब मैं बात करता हूं किसके, टू बी की, तो टू बी में मैंने आपको क्या बताया था कि इसमें आपको इज एम आर लगाना था, पास्ट में आपको क्या लगाना था, वॉज इन वर, और फ्यूचर में आपको लगाना था विल बी। अब मैं आज आपको नेक्स्ट लेवल पर लेकर चल रहा हूं, नेक्स्ट लेवल से मेरा मतलब है कि आपको मैं ये बताने वाला हूं कि कैसे आपके सेंटेंसेस और एडवांस लेवल पर बनते हैं। आप इस टू बी की मदद से एक कॉन्सेप्ट बना सकते हैं टू हैव बीन का, कम ऑन। जी हाँ स्टूडेंट, अगर आपको टू बी आ जाता है तो एक नया कॉन्सेप्ट टू हैव बीन आपको अपने आप आ जाएगा। देखो मैं आपको डेमो और एग्जाम्पल देकर बता रहा हूं, आपको सभी को विद गारंटी समझ में आएगा। देखिए जिसे मैं बात करूं सबसे पहले कि भाई यहां सब्जेक्ट लगा है, यहां भी सब्जेक्ट लगेगा, यहां इज एम आर लगा है, लेकिन यहां पर स्टूडेंट्स आपको लगाना होगा हैज, हैव, और उसके बाद में बीन, और फिर ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद आपको यूज करना होगा सिंस ऑब्लिक फोर, और उसके बाद यूज करना होगा टाइम। अब अगर आपने कहा मैं मुंबई में हूं, मैं मुंबई में हूं, तो आप इंग्लिश में बनाएंगे आई एम इन मुंबई, आई एम इन मुंबई। लेकिन जब आप कहोगे मैं पिछले 10 साल से मुंबई में हूं, मैं 2 महीने से मुंबई में हूं, मैं 10 साल से मुंबई, मैं 10 दिन से मुंबई में हूं, ऐसे सेंटेंसेस अगर आप बनाओ तो इसको कैसे बनाएंगे? मैं मुंबई में हूं तो आई एम इन मुंबई, लेकिन मैं 10 दिनों से मुंबई में हूं, देन यू वुड से दिस टाइम। अब आप ये नहीं कहोगे आई एम इन मुंबई फॉर 10 डेज, ये गलत हो जाएगा। सही आपको बोलना होगा आई हैव बीन इन मुंबई फॉर 10 ईयर्स, आई हैव बीन इन मुंबई फॉर 10 डेज, आई हैव बीन इन मुंबई सिंस 2010। इसका मतलब यह हुआ कि जब आप कहते हो मैं हूं तो आई एम, लेकिन मैं एक समय से हूं, आई हैव बीन। वह डॉक्टर है, ही इज अ डॉक्टर, ही इज अ डॉक्टर। वह 10 सालों से एक अच्छा डॉक्टर है, ही हैज बीन अ गुड डॉक्टर फॉर 10 ईयर्स। नाउ हियर इज अ क्वेश्चन कि भाई सिंस का लगाना है, फोर का लगाना है। So within 2 minutes, I'm going to explain you how to use since and for. Since will be used with point of time, and for will be used with period of time. तो दो time है आपके, एक है point of time और दूसरा है period of time. Since का उपयोग point of time. अब point of time क्या होता है? मैंने कहा 2010. भाई 2010 आपका point of time है. मैंने कहा Sunday, Monday, Tuesday किसी दिन का नाम. मैंने कहा January, February, March, April. तो April क्या है? Point of time है. ऐसे ही मैंने कहा 2 o'clock, 3 o'clock, 4 o'clock क्या है? Point of time है. तो ऐसी जितनी भी situations है, ये सारी की सारी since के साथ में use होगी. बाकी period of time में second, second से बड़ा होता है, minute, minute से बड़ा होता है, hour, hour से बड़ा होता है, day, day से बड़ा होता है, week, week से बड़ा होता है, month, month से बड़ा होता है, year, year से बड़ा होता है, decade और decade से बड़ा होता है, century. So from second to century, come on, from second to century, come on, from second to century, you have to use for. मैंने कहा 2 दिन से तो बोले फॉर 2 डेज, लेकिन मैंने कहा 2 बजे से तो सिंस 2 o'clock. मैं यहां 2 बजे से हूं, ये मत बोलना आई एम हियर सिंस 2 o'clock, गलत हो जाएगा, आई हैव बीन हियर सिंस 2 o'clock. तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको अपने दिमाग में फिल्ड करना है, क्या करना है बोले, बोले बताओ सर क्या है, क्या अभी अभी सीख जाएंगे? मैंने कहा वो मेरा दोस्त है, ही इज माई फ्रेंड, ही इज माई फ्रेंड, लेकिन जब आप कहोगे कि वह मेरा दोस्त बचपन से ही है, अब बचपन क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम है, तो he has been my friend since childhood. Come on, he has been my friend since childhood. Wow, what a technique sir, मजा आ गया सर, तो बस मजा आ गया तो लाइक ठोको जल्दी से। मैंने कहा कि वह मेरा दोस्त है, he is my friend, वह मेरा बचपन से ही दोस्त है, he has been my friend since childhood. ऐसे ही जब आप इसको पास्ट में बनाएंगे तो यहां पर यूज करेंगे आप had been, ऐसे ही जब आप इसे फ्यूचर में बनाएंगे आप यहां पर यूज करेंगे will have been. That's called wow technique. Yes, that's called wow technique. जिसको देखकर आपको लगने लगे क्या बात है, मजा आ गई. That's called wow technique. Wow technique. Wow technique. Wow technique. मैंने कहा वो मेरा दोस्त है, he's my friend. वो 2 साल से मेरा दोस्त है. He has been my friend for 2 years. अब इसको हिंदी में अलग अलग तरीके से बोल सकते हैं हम. जैसे वो 2 साल से मेरा दोस्त है, वो 2 साल से मेरा दोस्त रहा है. है ना, रहा है या है, सिचुएशंस आर सेम, यू नो दोनों के मीनिंग वही निकल रहे हैं. तो इस तरीके से आपको इसको यूज करना होता है. सो उम्मीद करता हूं डियर स्टूडेंट्स कि आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट फिट हुआ होगा. तो यहां लगाया हैज बीन, यहां लगाया हैड बीन, यहां लगाया विल हैव बीन. इसी सीरीज पर अगर मान लीजिए कल को आपके पास कोई चीज एक समय से है, जैसे आपने कहा मेरे पास एक कार है, तो आप क्या कहोगे? आई हैव अ कार, आई हैव अ कार. लेकिन जब आप कहोगे मेरे पास एक कार 2 साल से है, मेरे पास एक कार 2 साल से है, अब ऐसे सिचुएशन में क्या आपको यही यूज करना है? जी नहीं, अब आपको यूज करना होगा टू हैव. अब यहां देना,
या आपने टू के साथ में, देखो ध्यान देना, हैव के साथ में बीन लगाया था। क्यों लगाया था? क्योंकि ये जो बी है ना, इसकी थर्ड फॉर्म क्या होती है? बीन। अब ऐसे ही देखो, ये जो हैव है ना, हैव, इसकी थर्ड फॉर्म होती है स्टूडेंट्स हैड। तो अब यहां पर हैव के बाद आप लिखोगे हैड। अब आपको में से कुछ लोगों को डाइजेस्ट नहीं होगा, तो डाइजेस्ट नहीं होने का रीजन समझ लो, क्यों नहीं होगा डाइजेस्ट वो भी समझ लो। मैं ये बता रहा हूं कि ये जो बी है ना, बी की थर्ड फॉर्म होती है बीन। जब आप कुछ हैं तो बी, जब आप कुछ कहीं पर किसी समय से हैं या आप कुछ समय से कुछ हैं तो वहां पर टू हैव बीन। जैसे मैं एक टीचर हूं, आई एम ए टीचर, और मैं 10 साल से एक टीचर हूं, आई हैव बीन अ टीचर फॉर 10 ईयर्स, आई हैव बीन अ टीचर फॉर 10 ईयर्स। तो आई हैव बीन अ टीचर फॉर 10 ईयर्स, दिस इज अ सिचुएशन। अब दोनों के बीच में डिफरेंस को देखो कि क्या डिफरेंस आ रहा है। अब यहां पर मैं बात करता हूं कि भाई ये सिचुएशन क्या है। यहां पर आपको हैज हैव एज इट इज यूज करना है, जो आपने यहां पर किया है, और इसके बाद आपको हैड लगाना होगा, फिर ऑब्जेक्ट लगाना होगा, फिर वही सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस वाली सिचुएशन। मेरे पास एक कार है, आई हैव अ कार। मेरे पास एक कार 2 साल से है, दिस टाइम यू वुड से आई हैव हैड अ कार फॉर 2 ईयर्स। कम ऑन, आई हैव हैड अ कार फॉर 2 ईयर्स। अगर आप ये बोल दो कि आई हैव बीन, तो वो गलत हो जाएगा। उसका मतलब पता है क्या होगा? आई हैव बीन अ कार फॉर 2 ईयर्स, मैं 2 साल से कार हूं। और आप कार नहीं हो, आपके पास कार है। अगर आपके पास कार है तो आपको हेड लगाना, आप कार है तो आपको बीन लगाना है। मैं 2 साल से एक डॉक्टर हूं, तो आई हैव बीन अ डॉक्टर फॉर 2 ईयर्स, और मेरे पास 2 साल से एक कार है, आई हैव हैड अ कार फॉर 2 ईयर्स। मेरे पास ये बाइक 10 साल से है, मेरे पास ये बाइक 10 साल से है, आई हैव हैड दिस बाइक फॉर 10 ईयर्स। बोलने की टंग पर लेकर आ जाओ, आई हैव हैड दिस बाइक फॉर 10 ईयर्स। कम ऑन, आई हैव हैड दिस बाइक फॉर 10 ईयर्स। ऐसे पास्ट में आप बनाओगे हैड, और फिर एक और हैड, फिर ऑब्जेक्ट, सिंस ऑब्लिक फोर प्लस टाइम। अब यहां तो कुछ लोगों को डाइजेस्ट बिल्कुल नहीं होने वाला, क्योंकि दो हेड टकरा रहे हैं भाई। एक हेड तो हैज़ेव का पास्ट हो गया हेड, और ये वाला हेड ये वाला हेड, इसलिए दो हेड एक साथ आए। मेरे पास 2 साल से कार थी, आई हैड हैड अ कार फॉर 2 ईयर्स। सर आज तक नहीं ऐसा सुना, इसलिए तो बोलता हूं न्यूज़पेपर पढ़ा करो, ठीक है ना। न्यूज़पेपर में अक्सर ऐसे सेंटेंसेस मिलते हैं, गॉट इट, ऐसे सेंटेंसेस मिलते हैं, लेकिन समझ में, एक्चुअल में हम लोग उसको समझने की कोशिश करते नहीं, इतना डीपली पढ़ते नहीं है, एंड दैट्स व्हाई वी डोंट फाइंड इट इंटरेस्टिंग। चलो लीव इट ऑन, आगे बढ़ता हूं मैं। तो विल हैव प्लस हैड प्लस ऑब्जेक्ट सिंस ऑब्लिक फोर प्लस टाइम। तो अब यहां पर आप देख सकते हैं सिचुएशन कुछ अलग है। मैंने कल आपको पढ़ाया था टू बी, आज टू बी की मदद से मैंने आपको पढ़ा दिया टू हैव बीन एंड टू हैव हैड। अब करवाने वाला हूं मैं टोटल प्रैक्टिस, तो अपने ब्रेन को करो प्रिपेयर्ड और तैयार हो जाओ, और कमेंट करके लिखो यस सर वी आर गेटिंग, इफ यू आर गेटिंग, इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग, जस्ट कमेंट सर वी आर गेटिंग, वी आर गेटिंग, आई एम रीडिंग योर कमेंट एवरीवन। मैं आपके कमेंट को पढ़ रहा हूं, यस, वेरी गुड। सोनी तिवारी सुहानी ने सही कमेंट लिखा है। अमन बघेल, अमन बघेल, यू हैव ऑल्सो रिटन वेल कमेंट। आरोही राज, राइट। रजनी शर्मा, वेरी गुड, नाइस नाइस नाइस। तो आपको कमेंट करके बताना है, अभी के अभी आपको कमेंट करके बताना है कि सर यस वी आर गेटिंग। आपको कमेंट में लिखना है वी आर गेटिंग, वी आर गेटिंग, वी आर गेटिंग, वी आर गेटिंग, और इतना बड़ा नहीं लिख पाओ तो शॉर्ट में लिखो गेटिंग सर, गेटिंग सर, गेटिंग सर, वाह वाह वाह। चेतना सोनी, नेहा शर्मा, कनक यादव, सौरव, सौर्य सिंह, ओके थैंक यू, ओके थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अर्पना, असलम, सोएब, अमन, गोविंद, गुलाम, राम प्रकाश, अजय डांसर, हिट मूवी क्लिप्स, संदीप, ओके चलिए एवरीवन, थैंक यू सो मच। इट इंडिकेट्स दैट यू आर ट्रूली लर्निंग, यू आर ट्रूली इंप्रूविंग योरसेल्फ, एंड दैट मेक्स मी रियली फील ग्रेट। नाउ सी, सो दिस इज टू बी एंड दिस इज टू हैव, दिस इज टू हैव एंड दिस इज टू हैव हैड, एंड नाउ वी आर गोइंग टू प्रैक्टिस दैम, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं बोलूंगा हिंदी में, आप लोग करेंगे इंग्लिश में। सबसे पहला सेंटेंस मैंने कहा वह बचपन से मेरा दोस्त है। बताओ इसमें, इसमें, इसमें या फिर इसमें, चार आपके पास ब्लॉक है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। वह बचपन से मेरा दोस्त है, तो कुछ होने का बहुत हो रहा है किसी समय से। तो ही हैज बीन माई फ्रेंड सिंस चाइल्डहुड। वो एक अच्छा लड़का है, ही इज अ गुड बॉय। वो एक स्टूडियस लड़का है, स्टूडियस इन हिंदी इट्स कॉल्ड पढ़ाकू। डू यू नो पढ़ाकू? वही लोग जो फर्स्ट बेंच पर बैठते हैं, क्योंकि हम लोग तो कभी बैठे नहीं है, हम लोग कभी पढ़ाकू रहे नहीं है, दैट्स व्हाई। सो वही लोग जो कि फर्स्ट बेंच पर बैठते हैं, वही लोग जो एकदम स्टूडियस नेचर के होते हैं, बुक बॉम टाइप के होते हैं।
सो मैंने कहा वह एक स्टूडियस लड़का है, वह एक पढ़ाकू लड़का है. इन इंग्लिश यू वुड से ही इज अ स्टूडियस बॉय, ही इज अ स्टूडियस बॉय. और आपने कहा वह शुरू से ही एक पढ़ाकू लड़का है, वह शुरू से एक पढ़ाकू लड़का रहा है. ही हैज बीन अ स्टूडियस बॉय सिंस बिगनिंग, ही हैज बीन अ स्टूडियस बॉय सिंस बिगनिंग, सिंस हिज स्कूलिंग डेज, सिंस हिज स्कूलिंग डेज मतलब उसके स्कूल के दिनों से ही. अब स्कूलिंग डेज पॉइंट ऑफ टाइम इसलिए सिंस लगाना. He has been a studious boy since his schooling days. वो कभी फेल नहीं हुआ, he never failed. उसने हमेशा अच्छे नंबर गेन किए, he always gained good marks. So कोई भी सेंटेंस, you know, any sentence can be translated when you know the right reason to translate, when you know the right concept to translate. जब आपको सही concept पता होता है, चीजें अपने आप समझ में आने लगती है. So know the right concept to learn the things. और बताना चाहूंगा पूरे सेशन को एंड तक देखने के साथ साथ टिप्स देने वाला हूं कि आने वाले चार दिनों तक आपको क्या पढ़ना है, क्योंकि मैं फिर आ रहा हूं नेक्स्ट सैटरडे और संडे दो दिन की लाइव क्लास लेने के लिए. तो मैं आज आपको वो टिप्स भी दूंगा कि आपको अभी चार दिन में क्या पढ़ना है, क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है, जिससे कि जब मैं नेक्स्ट सैटरडे आपकी क्लास लेने के लिए आऊं तो आप पूरी एनर्जी के साथ में मुझे मिले और हम लोग पूरी 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 शिद्दत के साथ में अच्छे से अच्छा सीखें, क्योंकि मेरा पर्पस है आपको इंग्लिश बोलना सिखाना, वो भी यूट्यूब से. दैट्स व्हाई रिमेंबर वन थिंग, अभी से बोलने की शुरुआत करें, स्टार्ट स्पीकिंग फ्रॉम टुडे. द बेस्ट वे टू लर्न इंग्लिश इज दैट डू नॉट वेट फॉर द राइट टाइम, जस्ट स्टार्ट स्पीकिंग फ्रॉम टुडे, फ्रॉम राइट नाउ. ऐसा नहीं कि भाई पंडित जी से मुहूर्त पूछेंगे, ऐसा नहीं कि भाई पहले है ना बेसिक कंप्लीट करेंगे उसके बाद सर इंग्लिश बोलना सीखेंगे. एक बात याद रखना, द डे वुड नेवर कम, राइट, वो दिन कभी नहीं आने वाला मेरे दोस्त जब आप ये कहते हो कि मैं बेसिक कंप्लीट करूंगा और उसके बाद इंग्लिश बोलना सीखूंगा. आज से और अभी से बोलने की शुरुआत करें, डोंट वेट फॉर द राइट टाइम. चलिए यहां पर ध्यान देंगे आप लोग. तो भाई मैंने है ना आपको टू बी डू के सेंटेंसेस पढ़ा, अब मैं आपसे और सेंटेंस पूछ रहा हूं. मेरा एक भाई है, आई हैव अ ब्रदर. मेरी एक सिस्टर है, आई हैव अ सिस्टर, आई हैव अ सिस्टर. वह मेरा दोस्त है, ही इज माई फ्रेंड. वो इंदौर में है, ही इज इन इंदौर. वो 10 सालों से इंदौर में है, तुरंत इधर आ जाओ. ही हैज बीन इन इंदौर फॉर 10 इयर्स. बोलो आप लोग, वो 10 सालों से इंदौर में है. ही हैज बीन इन इंदौर फॉर 10 इयर्स. वो 10 सालों से इंदौर में था. ही हैड बीन इन इंदौर फॉर 10 इयर्स. वो 10 सालों से इंदौर में होगा. ही विल हैव बीन इन इंदौर फॉर 10 इयर्स. मैं वहां जाना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू गो देयर. मैं आपकी मदद करना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू हेल्प यू. मैं इंग्लिश सीखना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू learn English. Come on, I want to learn English. क्या आप इंग्लिश सीख सकते हो? Can you learn English? क्या यह आपका है? Is this yours? तो dear students, आपको एक बार फिर से बताना चाहूंगा कि सेंटेंस क्या होते हैं पांच टाइप. Come on, सेंटेंस क्या होते हैं पांच टाइप, दिमाग में फिट कर लो. सेंटेंस क्या होता है पांच टाइप, बोले कौन कौन से सर? तो बोले सर पहला तो आपने बताया assertive, that is also called declarative. The second one, तो बोले सर ये होता है interrogative. बोले सर याद हो गया प्रश्नवाचक वाक्य, अभी आपने बताया था. imperative क्या होता है? भाई दो मिनट में imperative sentence सबको सिखा देता हूं, अभी के अभी सबको समझ में आ जाएगा. और आप में से बहुत सारे लोगों को imperative sentence पहले से ही आते हैं, लेकिन ये नहीं पता था कि वो imperative है, आज पता चल जाएगा. इंपेरेटिव सेंटेंस इन हिंदी दे आर कॉल्ड आदेशात्मक वाक्य. ऐसे वाक्य जिनमें आप किसी को आदेश दें, लेकिन याद रखना आदेश ही नहीं दिया जाता इसमें. कहलाते भले ही वो आदेशात्मक वाक्य, बट एक्चुअली यू डोंट ऑर्डर. आप उसमें रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं, आप उसमें सजेस्ट भी कर सकते हैं, आप उसमें वॉर्न भी कर सकते हैं, आप उसमें किसी से कोई चीज के लिए रिक्वेस्ट भी कर सकते, कुछ भी हो सकता है. अब इसका स्ट्रक्चर देखो, ये जो इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं ना भाई, इनके अंदर यू छुपा होता है. यू को नहीं बोला जाता, लेकिन ये होता है यू के लिए. जैसे मैं अगर आपसे कहूं जाओ, तो बोलेंगे इंग्लिश में गो, तो आपको क्या लग रहा है कि इसमें आपने बिना सब्जेक्ट के बोला? भैया इसके अंदर सब्जेक्ट पहले से ही है. कौन सा? तुम जाओ. यू छुपा है. और याद रखिएगा जितने भी इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं, अभी मैं आगे और भी पढ़ाऊंगा, इसमें काफी सारे हैं, 4-5-6 इंपेरेटिव सेंटेंसेस है. तो जितने भी इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं, सारे के सारे इंपेरेटिव सेंटेंसेस जो बनते हैं आपके, वो आपके याद रखिएगा बहुत अच्छे से, वो सेकंड पर्सन यू के लिए यूज होते हैं. डियर स्टूडेंट्स, जी हां, सेकंड पर्सन यू के लिए. अब एक नया वर्ड मैंने यूज कर दिया, व्हाट इज सेकंड पर्सन सर? अरे भाई पर्सन तीन होते हैं, फर्स्ट सेकंड और थर्ड. प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष. अरे सर ये संस्कृत में लाया हो? नहीं रे भाई संस्कृत में नहीं लाया हूं, मैं बता रहा हूं प्रथम पुरुष आई और वी फर्स्ट पर्सन होता है. सेकंड पर्सन होता है यू. और जब आई और यू मिलके, कमॉन मैं और आप मिलके, कमॉन मैं और आप मिलके किसी थर्ड की बात करेंगे. जैसे मैंने आपसे कहा, आई ने यू से कहा वह मेरा दोस्त है, तो वह क्या हो गया? थर्ड पर्सन. ही क्या हो गया? थर्ड पर्सन. शी क्या हो गया? थर्ड पर्सन. दे क्या हो गया? थर्ड पर्सन. इट क्या हो गया? थर्ड पर्सन. किसी का नाम राम, श्याम, सोहन, सीता, गीता, सविता क्या हो गए? थर्ड पर्सन. भाई तो याद रखना सेकंड पर्सन के लिए यूज होता है कौन सा?
ये पर्टिकुलर स्ट्रक्चर. मैंने कहा वहां जाओ गो देयर, यहां आओ कम हियर, इंग्लिश सीखो लर्न इंग्लिश, इंग्लिश बोलो स्पीक इंग्लिश, मेरे साथ बोलो आप लोग इंग्लिश बोलो स्पीक इंग्लिश, यहां बैठो सिट हियर, वहां बैठो सिट देयर. अब रिक्वेस्ट कर रहा हूं कृपया यहां बैठिए, तो आगे प्लीज लगा देना प्लीज सीट हियर, कृपया इंग्लिश बोलिए प्लीज स्पीक इंग्लिश, कृपया वहां जाइए प्लीज गो देयर, कृपया यहां आइए प्लीज कम हियर, कृपया सुनिए प्लीज लिसन, कृपया मत सुनिए. अब मना कर दिया, मना कर दिया, मना कर दिया सुनने से. सो डोंट वी वन प्लस ऑब्जेक्ट, कम ऑन, डोंट वी वन प्लस ऑब्जेक्ट, डोंट वी वन प्लस ऑब्जेक्ट, वहां मत जाइए, डोंट गो देयर, उसकी मदद मत कीजिए, डोंट हेल्प हिम, उसे मत छुइए, डोंट टच इट, डोंट टच इट, वो आपका नहीं है, दैट इज नॉट योर्स, वो मेरा है, दैट इज माइन, उसे मत छुओ क्योंकि वो मेरा है. Come on, बोलो इंग्लिश में क्या बोलोगे, उसे मत छुइए क्योंकि वह मेरा है, डोंट टच इट बिकॉज दैट इज माइन, डोंट टच इट बिकॉज दैट इज माइन, वह आपका है, दैट इज योर्स, कम ऑन दैट इज योर्स, हां वो मेरा है, यस दैट इज माइन. मैं सीखना चाहता हूं आई वॉन्ट टू लर्न, मैं जाना चाहता हूं आई वॉन्ट टू गो, मैं आना चाहता हूं आई वॉन्ट टू कम, आओ कम, वहां जाओ गो देयर, वहां मत जाओ डोंट गो देयर, वहां कभी मत जाओ. कभी मत के लिए यूज होगी एडवर्ब नेवर, नेवर एक एडवर्ब है स्टूडेंट जिसका मतलब होता कभी नहीं. ये प्यारी सी एडवर्ब पता है किससे मिलकर बनी है, ये प्यारी सी एडवर्ब मिलकर बनी है डियर स्टूडेंट्स, नेवर का एक फॉर्मूला होता है, नेवर इज इक्वल टू नॉट प्लस एवर, कम ऑन, नॉट प्लस एवर, कम ऑन, नॉट प्लस एवर, कम ऑन, नॉट प्लस एवर इज इक्वल टू नेवर. क्या तुम कभी वहां जाओगे, क्या तुम कभी वहां जाओगे, एवर का मतलब होता कभी, तो आपसे पूछा जाएगा विल यू एवर गो देयर, विल यू एवर गो देयर, क्या कभी आप उससे मिले हो, हैव यू एवर मीट हिम, क्या कभी आपने ये टेस्ट किया है, हैव यू एवर टेस्टेड इट, क्या कभी आपने उसकी मदद की है, हैव यू एवर हेल्प्ड हिम, क्या कभी आपने सेंटेंसेस बनाए हैं, Have you ever made sentences? So this is the way to speak. अब क्वेश्चन उठता है कि सर ये तो ever है, हमको तो never सीखना है. अब मैं आपसे अगर प्रश्न पूछूं, ये कौन सा sentence है, interrogative. Interrogative में कौन सा sentence है, बहुत सारे लोगों को पता होगा. Helping verb से शुरू होने वाला, देखो ना will से start हुआ ना, तो हिंदी में किससे शुरू होगा, क्या से. और क्या से जो भी sentence शुरू होता है हमेशा याद रखना वो yes और no में answer दिया जाता है. मैं अगर आपसे पूछूं will you ever go there, क्या कभी आप वहां जाओगे, तो आपने कहा नहीं मैं वहां कभी नहीं जाऊंगा, no I will never go there. ये देखो ये ever किस में बदल गया, not और ever मिलके, not और ever मिलके क्या बन गया, never, I will never go there. या फिर आप अगर अलग अलग बोलना चाहते हो तो आप ये भी बोलोगे नो आई विल नॉट एवर गो देयर. लेकिन मुझे बताओ जब नॉट और एवर दोनों एक साथ लगे हैं, एक ही सेंटेंस में लगे हैं, तो भाई नॉट और एवर को आप डायरेक्ट क्या बोलो, नेवर बोलो ना, नॉट एवर क्यों अलग अलग बोल रहे हो, क्यों परेशान हो रहे हो, आ रही बात समझ में. लैंग्वेज यार बड़ी मजेदार भाषा, बड़ी आसान भाषा, ठीक है ना. इसको सीखने के लिए ना सबसे बड़ी चीज चाहिए होता है इंटरेस्ट, आपके अंदर होना चाहिए इंटरेस्ट. जिसमें भी है इंटरेस्ट वो उसने धूम मचा दिए. आज मैंने मॉर्निंग में प्रीमियम क्लासेस ली, वो प्रीमियम क्लासेस में एक मैम है, मैं उनका नाम भूल रहा हूं, आई थिंक शोभा मैम क्या नाम है उनका, आई डोंट रिमेंबर, नाम याद नहीं आ रहा सच्ची. शी इज 58 ईयर्स ओल्ड एंड एट दिस एज शी इज डूइंग अवर ऑनलाइन कोर्स. और मैंने पूछा बोले क्यों कर रही है मैम, बोले सर आई एम अ बिजनेस वूमेन, मेरे जो बच्चे हैं वो भी फॉरेन में रहते हैं और मुझे उनसे कम्युनिकेट करना पड़ता है, सो आई फाइंड माई सेल्फ इन ए डिलेमा कि मैं उनसे कैसे बात करूं. तो कहीं ना कहीं उनकी एक इच्छा है कि मुझे अपने आप को एट दिस एज आई हैव टू इंप्रूव माई सेल्फ. आई रियली सल्यूट दिस काइंड ऑफ पीपल, क्योंकि ऐसे लोग जो होते हैं. और मैं क्या आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि कभी भी एज इज जस्ट अ नंबर, ये नहीं सोचे कि यार हम लोग आज 40 गए हैं या 50 गए हैं शायद अब हमारी सीखने की एज नहीं है. मैंने कहा कि थोड़ा समय निकाल कर अगर आप इस लैंग्वेज के लिए दें तो आप बहुत आसानी से सीख सकते हैं, बहुत ही आसानी से. और कुछ भी मैंने कहा नथिंग इज टफ व्हेन यू डिसाइड टू लर्न समथिंग. अगर वो मैम सेशन को देख रही है तो प्लीज कमेंट करें.
अपना नाम ताकि मैं पढ़ लूं. ओके नाउ सो डियर स्टूडेंट्स दिस इज द थिंग एक्चुअली. तो मैं चाहूंगा कि आप लोग है ना प्लीज अपने आप के प्रति ऑनेस्ट रहे, अपने लैंग्वेज के प्रति ऑनेस्ट रहे, अपनी लर्निंग के प्रति ऑनेस्ट रहे. कोशिश आपकी रहे कि आप अच्छे से अच्छा सीखें, आप अपना बेस्ट दें. आपको जो भी पढ़ाया जा रहा है, और मैंने तो कहा ना कि आज के समय में यार सबसे आसान जॉब है इंग्लिश सीखना, क्योंकि एक से ट्रेनर्स, एक से टीचर्स यूट्यूब पर अवेलेबल है. सिर्फ फायदा उठाओ और सीखो ज्यादा से ज्यादा, सीखने की भूख लेकर आओ, राइट. और ये जितने भी ऐसी चीज डिस्ट्रैक्ट करने वाली है, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, फ्रेंड सर्कल, यार देखो सब जरूरी है, लेकिन कब, जब हम एक ओहदे पर है, एक पोस्ट पर है, हमने कुछ अचीव कर लिया, तब ये सब ठीक है. अदरवाइज कोई हेल्प नहीं करता. इस चीज को दिमाग में फिट करिएगा मेरा दोस्त. चलिए मैं आपको कोई, आई एम नॉट अ प्रीचर, आई एम सिंपली अ टीचर, एंड माय जॉब इज नॉट टू प्रीच यू, माय जॉब इज टू टीच यू, एंड आई एम टीचिंग, आई एम नॉट प्रीचिंग. सो सी ओवर हियर, मैंने आपको दिखाया यहां पर टू बी और टू हैव बीन, फिर दिखाया मैंने आपको टू हैव और टू हैव हैड, और फिर मैंने आपको बताया कि भाई सेंटेंस में जो इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं उनमें ये इंपेरेटिव सेंटेंस आपके सामने लिखे हैं. मैंने कहा वहां जाइए, गो देयर, वहां जाइए, गो देयर, वहां मत जाइए, डोंट गो देयर, वहां कभी मत जाइए, नेवर गो देयर. द नेक्स्ट वी हैव, चलो हम चले, लेट्स गो, चलो हम इंग्लिश बोले, लेट्स स्पीक इंग्लिश, चलो हम पढ़ाई करें, लेट्स स्टडी, चलो हम सेंटेंसेस बनाए, लेट्स मेक सेंटेंसेस. एक बार ये चारों के चारों सेंटेंस दिमाग में फिट कर लो. नंबर वन, नंबर टू, नंबर थ्री. नंबर थ्री पे क्या आएगा आपका, नेवर ले लो, नेवर वी वन प्लस ऑब्जेक्ट. इसकी जगह एक और एडवर्ब आप लगा सकते हो, कौन सी, ऑलवेज. नंबर फोर्थ पे आप एक काम करो, लेट्स को ले लो, ठीक है. अब यहां पर देखो आप, मैंने कहा वहां जाओ, गो देयर. सेंटेंसेस बनाओ, मेक सेंटेंसेस. सेंटेंसेस मत बनाओ, डोंट मेक सेंटेंसेस. जब आप किसी को कोई काम करने के लिए मना करो, वहां मत जाओ, डोंट गो देयर. वहां कभी मत जाओ, कभी मत जाओ, कभी मत जाओ, नेवर गो देयर. वहां हमेशा जाओ, ऑलवेज गो देयर. कम ऑन, वहां हमेशा जाओ, ऑलवेज गो देयर. चलो हम चलें, लेट्स गो. चलो हम इंग्लिश सीखे, लेट्स लर्न इंग्लिश. चलो हम दूसरों की मदद करें, लेट्स हेल्प अदर्स. चलो कुछ नया सीखे, लेट्स लर्न समथिंग न्यू, लेट्स लर्न समथिंग न्यू. चलो कुछ सुने, लेट्स लिसन. चलो कुछ बोले, लेट्स स्पीक. मैं बोल सकता हूं, कम ऑन, मैं बोल सकता हूं, आई कैन स्पीक. मैं अभी आपको पांच मिनट में पूरे 12 मॉड्यूल्स करवा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा. इनका एक ग्रुप होता है स्टूडेंट, कैन, could, C-O-U-L-D, could. तीसरा है आपका will be able to. Next है should, M-U-S-T, must. फिर है O-U-G-H-T, ought to. The next we have to. The next we have to have to, had to, and will have to. The next we have used to, need to, and dare to. So you can see over here, I have written 12 mudras. Ab can jo hai, jo bhi kaam kar sakte ho. It shows your ability, capacity and power. The work that you can perform very well. Jo bhi kaam aapko aata hai, batao kya kya kar sakte ho. Structure wahi traditional hai aapka. Subject can, verb ki first form plus object. Jo bhi kaam aapko aata hai, batao kya kya aata hai. Sir, I can swim. Sir, I can cook food. Sir, I can fly. Whatever you can. जो भी आप कर सकते हो बताओ क्या क्या कर सकते हो. जो भी आप कर सकते हो, आपने कहा मैं इंग्लिश बोल सकता हूं, आई कैन स्पीक इंग्लिश, आई कैन मैं बोल सकता हूं, आई कैन स्पीक मैं दौड़ सकता हूं, आई कैन रन मैं समझ सकता हूं ये कॉन्सेप्ट को, आई कैन अंडरस्टैंड मैं वहां जा सकता हूं, आई कैन गो देयर. आप यहां आ सकते हो, आई कैन, यू कैन कम हियर. ऐसे कुड होता है जो काम आप कर सकते थे, ठीक है. ये कब यूज होता है स्टूडेंट्स, पास्ट में जो काम आप कर सकते थे. जैसे एक लड़का है, उसने कहा जब मैं 5 साल का था, तो जब को इंग्लिश में कहा जाता है व्हेन आई वाज 5 ईयर्स ओल्ड. जब मैं 5 साल का था, मैं तेज दौड़ सकता था, आई कुड रन फास्ट, बट नाउ आई कैन नॉट. अब इस सेंटेंस को ध्यान से पढ़ो, इसमें आपके दोनों मोडल्स यूज हुए हैं, एक में कुड यूज हुआ है और एक में कैन यूज हुआ है. कैन का नेगेटिव, कैन नॉट, जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं कांट.
When I was 5 years old, जब मैं 5 साल का था, I could run fast, मैं तेज दौड़ सकता था. तो यहां पर could किसका मीनिंग दे रहा है मेरे दोस्त? Could मीनिंग दे रहा है जो काम हम पास्ट में कर सकते थे लेकिन अब नहीं कर सकते. एक बूढ़ा आदमी है, उसने कहा जब मैं यंग था मैं सब कुछ कर सकता था लेकिन अब नहीं कर सकता हूं. When I was young, I could do everything. मैं कुछ भी कर सकता था. तो कुछ भी क्या आएगा? I could do anything. कुछ भी को anything और सब कुछ को everything. मेरा indefinite pronoun पर बेस्ड एक वीडियो वो देख लीजिएगा जिसमें something, anything, everything, nothing. Somebody, anybody, everybody, nobody. Someone, anyone, everyone, no one. I have explained them in detail. सिर्फ आपको YouTube पर सर्च करना होगा Persona Institute for English indefinite pronoun. वहां आपको लिखा दिख जाएगा, एक थंबनेल आ जाएगी, वीडियोस आ जाएगा, उस पर क्लिक करिएगा. मैं आपके सामने पढ़ाने के लिए तैयार हूं. सो व्हेन आई वाज 5 years ओल्ड आई कुड रन फास्ट बट नाउ आई कैन नॉट. जब मैं 5 साल का था मैं तेजी से दौड़ सकता था लेकिन अभी नहीं दौड़ सकता हूं. सो व्हाट इट इज शोइंग एक्चुअली, क्या दिखा क्या रहा है यहां पर? दिखा ये रहा है भाई कि कोई काम हम पहले कर सकते थे लेकिन अभी नहीं कर सकते. लेकिन मान लो कल एग्जाम्पल, जैसे आज आपने क्लास अटेंड नहीं करी और मैंने आपसे कहा कल की क्लास आप अटेंड कर सकते थे, तो क्या यहां भी कुड लगेगा? जी नहीं डियर स्टूडेंट्स, यहां पर आपको कुड हैव लगाना होगा. अरे यार ये तो नहीं पंचायत होगी सर, मुझे तो समझ में नहीं आया. ये सकता था, ये भी होता है, और ये जो कुड है ये भी सकता था होता है सर. वाई दिस कोलावेरी डी, भाई दोनों में बड़ा अंतर है. ऊपर वाला जो सकता है, सकता था, ये शो कर रहा है आपकी पॉसिबिलिटी को. किसको शो अप कर रहा है? आपकी पॉसिबिलिटीज को, जो काम करने की पॉसिबिलिटीज थी उसको शो अप कर रहा है. जैसे आपने कल की क्लास अटेंड नहीं करी तो मैं आपसे क्या कहूंगा? आप कल की क्लास अटेंड कर सकते थे. यू कुड हैव अटेंडेड यस्टरडेज क्लास. आप वहां जा सकते थे. यू कुड हैव गॉन देयर. आप उससे मिल सकते थे. यू हैड अ चांस. आपके पास मौका था, आप उससे मिल सकते थे. यू हैड अ चांस. यू कुड हैव मेड हिम. You could have made him. तो कोई काम होने की पॉसिबिलिटी थी. लेकिन ये सकता था कब यूज होता है? जब पास्ट में कोई काम हम कर सकते थे लेकिन वो काम अब नहीं कर सकते. वो बच्चे का एग्जाम्पल दिया था मैंने, यंग बूढ़े आदमी का, कि जब मैं यंग था तो मैं ये कर सकता था, वो कर सकता था, मैं इंग्लिश बोल सकता था, मैं यहां जा सकता था, उड़ सकता था, ये कर सकता था. तो ये सारी सिचुएशन कुड में आएगी. लेकिन कुड हैव में क्या आएगा? कल आप इंदौर जा सकते थे, आपके पास चांस था. क्या बोलेंगे इंग्लिश में? यू हैड ए चांस. यू कुड हैव गॉन टू इंदौर यस्टरडे. आप उससे मिल सकते थे. यू कुड हैव मेड हिम. आप उसकी मदद कर सकते थे. यू कुड हैव हेल्प्ड हिम. आप यहां आ सकते थे. यू कुड हैव कम हियर. दैट इज द टेक्निक डियर स्टूडेंट्स. ये तरीका, ये टेक्निक है, इससे समझना है हमें. ठीक है ना? बाकी तो देखो मैं आपको कितने ही पढ़ा लूं, मैंने सारे टॉपिक पर बेस्ट वीडियो बना, सारे के सारे. मैंने कहा ना आप सिर्फ सर्च करिए. आपको सिर्फ क्या लिखना है यूट्यूब पर? पर्सोना इंस्टीट्यूट फॉर इंग्लिश. ये लिखना है शुरू में सबसे पहले. पर्सोना इंस्टीट्यूट फॉर इंग्लिश लिखने के बाद आपने कहा कि सर मुझे कुड हैव और कुड के बीच में अंतर देखना है, तो फिर आपको लिखना पड़ेगा कुड हैव एंड कुड डिफरेंस, या डिफरेंस बिटवीन कुड हैव एंड कुड. ऐसा आपको लिखना पड़ेगा शुरू में. यह टाइप जरूर करना पड़ेगा. इसको टाइप करने के बाद आपको टेंसेस सीखना है, आप टेंसेस लिख दें. इसको टाइप करने के बाद आपको मोडल सीखना है, ये टाइप कर दें. इसको टाइप करने के बाद आपको टू बी टू हैव बीन में डिफरेंस देखना है, वो टाइप कर दें. व्हाटएवर यू हैव टू लर्न. आपने कहा सर आर्टिकल सीखना है, आर्टिकल की तो एक मैजिक ट्रिक लेकर आया हूं जो मार्केट में कहीं नहीं मिलेगी आपको, कि कैसे आर्टिकल को रिकॉग्नाइज करना है, कहां पर कौन सा आर्टिकल लगाना है, कैसे आइडेंटिफाई करना है, और कब अ कॉपी होता है तो द कॉपी भी होता है. You know, बहुत सारी टेक्निक. मैंने कहा ना सीखना बड़ा आसान है, सिर्फ मजा आना चाहिए, सीखने का इंटरेस्ट चाहिए, भूख जगाओ सबसे पहले. तो मेरे दोस्तों भूख जगाओ, सीखने की भूख लगेगी, सीखने में मजा आएगा. सीखने की भूख लगेगी, सीखने में मजा आएगा. और मुझे बताओ यार कि एक व्यक्ति जिसको भूख ही नहीं है उसके सामने आप दुनिया का सबसे डिलीशियस फूड भी रख दो उसको मजा नहीं आएगा खाने में. और वही व्यक्ति जो भूखा है सीखने का उसको आप 2 दिन पुराना खाना भी दो टेस्ट के साथ मजे के साथ खाएगा. यही तो भूख का नशा है मेरे दोस्त, यही तो सीखने का नशा है. मैंने कहा ना सीखने वाला जो है ना कहीं से भी सीख लेगा. आपको एक प्रैक्टिकल बात बताता हूं. मुझे महाभारत में एक ही कैरेक्टर सबसे मेरा फेवरेट रहा है. आप जानना चाहते हैं कौन? एकलव्य. एकलव्य एक ऐसा कैरेक्टर रहा है महाभारत में जिसको द्रोणाचार्य ने ट्रेनिंग नहीं दी थी. सोचिए, ही वॉज नॉट ट्रेन्ड बाय द्रोणाचार्य, स्टिल ही बिकेम अ ग्रेट वॉरियर. कैसे बना? सिर्फ और सिर्फ अपने डेडिकेशन से.
अपने डिसिप्लिन से, अपने डिसिप्लिन से, अपनी मेहनत से, अपने हार्डवर्क से उसने डिसाइड कर लिया था मुझे भी अच्छा योद्धा बनना है। इवन ही वॉज बैटर देन अर्जुना। और जब द्रोणाचार्य को लगा कि यार जो मैंने प्रॉमिस किया है अर्जुन से, कहीं उसमें यह दिक्कत नहीं पैदा करे, तो आप देख सकते कि एकलव्य जो है एक ऐसा कैरेक्टर था जिसने कि सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। उस पर्टिकुलर बंदे ने, उस पर्टिकुलर व्यक्ति ने क्या किया था पता है? सिर्फ द्रोणाचार्य का स्टेचू बना लिया और स्टेचू के सामने अभ्यास कर रहा है। आप सोचिए यार, स्टेचू के सामने जो व्यक्ति अभ्यास कर रहा है वो एक ग्रेट वॉरियर कैसे बनेगा? बट वो बन गया। थोड़ा सुनने में आपको स्ट्रेंज लगेगा, तो दैट्स व्हाई ये चीज मुझे सबसे ज्यादा एक इफेक्टिव लगी है महाभारत में पूरा, कि एकलव्य ने अपनी पावर से, अपनी कॉन्सेंट्रेशन पावर से अपने आप को उस लेवल पर इंप्रूव किया था कि वो उस चीज को समझ रहा था कि मुझे कैसे अपने आप को इंप्रूव करना। तो मैंने कहा ना, जिसको सीखना है उसको कोई ऑनलाइन कोर्स की नीड नहीं है, वो तो यूट्यूब के माध्यम से ही सीख लेगा। और ऐसे लाखों स्टूडेंट्स ने पर्सोना इंस्टीट्यूट के माध्यम से ऑनलाइन अपनी स्पोकन इंग्लिश को इंप्रूव किया है अभी तक। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? जस्ट स्टार्ट वॉचिंग वीडियोज। सारे के सारे सेशंस की प्लेलिस्ट बनी हुई है, डेज वाइज देखो, फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे, फिफ्थ डे, सिक्स्थ डे। अभी चार दिन की आपकी छुट्टी है, चार दिन की छुट्टी मतलब मैं अभी लाइव नहीं लूंगा कल से, मैं अब अगले सैटरडे और संडे फिर आऊंगा। जैसा कि आप लोग सब जानते हैं, सप्ताह में दो दिन आपकी लाइव क्लास होगी, तो दो दिन आप पढ़ो, दो दिन मैं आपको हाई डोज दूंगा पढ़ाने का, गाइड कर दूंगा, चार दिन आप खुद पढ़ो, और उसके बाद फिर मैं अगेन आ रहा हूं आप लोगों के साथ में डिस्कस करने के लिए क्या सीखा, कितना सीखा, कितना अपने आपको इंप्रूव किया। राइट, मैं बोल रहा हूं आपको, यू डोंट नीड टू ज्वाइन एनी कोचिंग क्लासेस, आई एम हियर टू गाइड यू, आई एम हियर टू टीच यू, यू डोंट हैव टू इन्वेस्ट, यू डोंट हैव टू वेस्ट योर रुपीज, आप खुद ही यूट्यूब से सीख जाओगे। तो मैंने कहा ना यार, जिसको सीखना है ना वो तो सीखेगा, जिसको अपने आप को इंप्रूव करना है वो तो करेगा, बस डिसाइड कर लो कि नहीं, मुझे तो सीखना है, मुझे अपने आप को इंप्रूव करना है, मुझे अपने अंदर चेंजेस लाना है। और जब ये चीज है, एक सेकेंड, या एवरीथिंग इज फाइन, फाइन फाइन, जब ये चीज रहेगी तो अपने आप अपने अंदर चेंजेस फील करोगे। सो आई इंसिस्ट टू ऑल ऑफ यू टू वॉच द सेशन रेगुलरली, या रेगुलरली अपनी रूटीन में बना लो कि मुझे ना प्लेलिस्ट से वीडियो विजिट करना है, प्लेलिस्ट के सारे सेशंस को देखना है, शुरू फर्स्ट डे से देखना है। आप हमारा एक काम करें, सबसे बेस्ट सागर सर, जो अपनी फर्स्ट डे वाली जो प्लेलिस्ट है ना, जिसमें बेसिक के वीडियोज है, वो प्लेलिस्ट को भी डिस्क्रिप्शन में रख दें। हमने डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट को रखवा दिया है, फर्स्ट डे से जहां से आपको देखना क्लिक कर देखना है वहां पर सिर्फ आप क्लिक करोगे, आपको जो है प्लेलिस्ट मिल जाएगी, ठीक है। इसके बाद टेलीग्राम ग्रुप पर आपको नोट्स अवेलेबल है, आपको कोई कंटेंट जो आज मैं पढ़ाऊंगा वो टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा, ठीक है। इवन ये सारा का सारा कंटेंट एज इट इज, जैसा मैं लिख रहा हूं ना, ये पूरा का पूरा टेलीग्राम पर एज इट इज चला जाएगा, और क्या चाहिए यार, राइट। तो बस ये चीज आपके अंदर होनी चाहिए, जब आप ये चीज लेकर आ जाओगे तो कहीं ना कहीं आप अपने अंदर एक चेंजेस फील करोगे, आपको लगेगा कि यार यू आर इंप्रूविंग, आप सीख रहे हो, आप अपने अंदर चेंजेस आ रहा है, आप अपने अंदर बदलाव ला रहे हो, और यही सबसे बड़ा अचीवमेंट है आपका, राइट। चलिए भाई, तो यहां पर आप लोग ध्यान दें, शुड की बात करता हूं, शुड का उपयोग होता है डिस्टूडेंट्स किसी को एडवाइस देने के लिए। मैं अगर आपको कहूं कि आपको वहां जाना चाहिए, यू शुड गो देयर, आपको यहां आना चाहिए, यू शुड कम हियर, आपको सुनना चाहिए, यू शुड लिसन, आपको अवश्य सुनना चाहिए, आपको अवश्य सुनना चाहिए, क्या कहेंगे इंग्लिश में बोलो, यू मस्ट लिसन, आपको सुनना चाहिए, यू ऑट टू लिसन, आपको सुनना पड़ता है, जो भी काम आपको करना पड़ता है, यू हैव टू लिसन, आपको सुनना पड़ता था, यू हैड टू लिसन, आपको सुनना पड़ेगा, यू विल हैव टू लिसन, आप सुना करते थे, यू यूज टू लिसन, यूज टू कहां यूज होता है पता है आपको, यूज टू वहां यूज होता है जहां पर आप कोई काम पहले किया करते थे, जैसे मैं वहां जाया करता था, आई यूज टू गो देयर, मैं इंग्लिश सीखा करता था, आई यूज टू लर्न इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ाया करता था, आई यूज टू टीच इंग्लिश, मैं अपने दोस्तों की मदद किया करता था, आई यूज टू हेल्प माई फ्रेंड्स, मैं लिखा करता था, यूज टू राइट, मैं पढ़ाया करता था, यूज टू टीच, इट शोज योर हैबिट ऑफ पास्ट, ये आपकी हैबिट ऑफ पास्ट को शो करता है, जो काम आप पास्ट में पहले किया करते थे उसको शो अप करने के लिए, उसको दिखाने के लिए आप यूज करते हैं यूज टू, आपको बोलने की जरूरत है यू नीड टू स्पीक, आपको लिखने की जरूरत है यू नीड टू राइट, आपको वहां जाने की जरूरत है यू नीड टू गो देयर, और आपने वहां जाने की हिम्मत है यू डेयर टू गो देयर,
आप में यहां आने की हिम्मत है, यू डेयर टू कम हियर, आप यहां आ सकते हो, यू कैन कम हियर, आपको यहां आना चाहिए, यू शुड कम हियर, आपको बोलना चाहिए, यू शुड स्पीक, आप बोल सकते हो, यू शुड, यू कैन स्पीक, ये मेरा है, दिस इज माइन, दिस इज माइन, ये तुम्हारा है, दिस इज yours. एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो आप लोग ध्यान रखना है, माइन माइन वाला क्या डिफरेंस है, माई माइन, योर योर्स, देयर देयर्स, आर आर्स, हर हर्स, बस बाकी और किसी के नहीं बदलते हैं. तो भाई ये जो है आपका पजेसिव है, पजेसिव तो ये भी है लेकिन दोनों में डिफरेंस है, ये एडजेक्टिव है और ये प्रोनाउन है, तो ये प्रोनाउन पजेसिव है और ये पजेसिव एडजेक्टिव है. तो भाई इसके बाद में आपको क्या करना होता है पता है, इसके बाद में आपको नाउन लगाना होता है, नाउन नाउन नाउन, लेकिन ये जो होता है ये अकेला ही आता है. जब आप कहते हो यह मेरा है, यह मेरा है, तो अब मुझे ऐसा बताओ आप लोग, यह मेरा है इसमें कोई नाउन आया क्या, नहीं आया, दिस इज माइन, क्या कहोगे बोलो, दिस इज माइन, यह मेरा है, लेकिन जब आप कहोगे यह मेरा पेन है तो दिस इज माई पेन, ये देखो दिस इज माई पेन, आपने यहां पर क्या, दिस इज माई पेन, तो यहां पर आपने माई पेन बोला, क्यों, क्योंकि यहां पर आप नाउन लगा रहे हो इसलिए माई बोला, लेकिन यहां पर आप क्या बोल रहे हो, माइन, अकेला ही है, ठीक है, आप इसमें किसी को यूज ही नहीं कर रहे हो. तो ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल अपने दिमाग में याद रखना, और इस पर बेस्ड भी वीडियो मैंने बनाया है, आप चाहे तो YouTube पर सर्च कर सकते हैं इसको डिटेल देखने के लिए, जिसमें आपको आई मी माई माइन माई सेल्फ इनके बीच में क्या डिफरेंस होता है, कैसे इनको यूज करते हैं, आपको YouTube पर सर्च करना होगा पर्सोना इंस्टीट्यूट फॉर इंग्लिश केस चार्ट, आपको लिखना होगा पर्सोना इंस्टीट्यूट फॉर इंग्लिश प्रोनाउन केस चार्ट, अगर इस पर डिटेल पढ़ना है तो कॉपी पेन लेकर बैठ जाओ, और जो जो टॉपिक सजेस्ट कर रहा हूं ना मैं सारे के सारे नोट करते चलो, क्योंकि अभी सर्च करोगे ना आप तो अभी तो बहुत सारे मैं टॉपिक अभी और सजेस्ट करूंगा, इसलिए कॉपी पेन लेकर बैठ जाओ और नोट कर लो सारे के सारे टॉपिक के कौन कौन से हैं, प्रोनाउन केस चार्ट, और डिस्क्रिप्शन में इनके लिंक भी देकर रखे हमने, तो आप चाहे तो वहां से भी देख सकते हो, और वहां नहीं मिले तो सबसे बेस्ट तरीका है यूट्यूब पर जाओ सर्च करो पर्सोना इंस्टीट्यूट फॉर इंग्लिश प्रोनाउन केस चार्ट, प्रोनाउन केस चार्ट का जस्ट वीडियो सबसे पहले फ्रंट में ऊपर ही आएगा, राइट, आगे पर्सोना इंस्टीट्यूट फॉर इंग्लिश जरूर लिखना, ठीक है, क्योंकि प्रोनाउन केस चार्ट पर और भी अदर जो टीचर्स हैं उन्होंने काफी सारे वीडियोस बना के रखे हैं दैट्स व्हाई. तो इस तरीके से ये आपको सारा का सारा कंटेंट जो है सब कुछ मिल जाएगा. कुल मिला के देखो इन शॉर्ट आई वुड से वन थिंग्स टू ऑल ऑफ यू कि आपकी प्रैक्टिस जितनी ज्यादा शानदार होगी उतना शानदार आपका परफॉर्मेंस होगा. चलिए मैं आपको अभी पॉइंट पर लेकर आता हूं क्योंकि अभी बहुत कुछ मुझे पढ़ाना है, समय कम बचा है हमारे पास एंड वी हैव टू लर्न अ लॉट. तो भाई ये कॉन्सेप्ट तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा. इसके बाद मैंने आपको यहां पर ये पांच इंपेरेटिव सेंटेंसेस बताए, ये भी आपको समझ में आ गए होंगे. अब हम लोग डायरेक्ट बात करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में. तो मैं चाहता हूं कि इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को समझने के लिए आप लोग सभी यहां पर ध्यान दें. और आपके टेलीग्राम ग्रुप में भाई पर्सोना इंस्टीट्यूट का जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें आपको काफी सारे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस मिलने वाले हैं आज. तो वो सारे के सारे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस जो है आप प्लीज रीड करिएगा, क्योंकि मैंने कहा ना कल से चार दिन आपको क्लास नहीं मिलेगी. मैं आपको फिर सैटरडे और संडे दो दिन फिर मिलूंगा. हुआ तो मैं फ्राइडे ले सकता हूं क्लास, बट आई एम नॉट श्योर, राइट. तो कोशिश आप ये करें कि आप जो है सैटरडे के दिन जब आप आए क्लास आप अटेंड करें तो पूरी एनर्जी के साथ में आप आए, पूरी प्रिपरेशन के साथ में आप आए. तो मुझे भी है ना पढ़ाने में ऐसा फील होगा कि यार प्रिपेयर्ड होकर आए हो आप लोग सभी. चलिए बहुत अच्छी बात है, काफी प्यारे प्यारे आपके कमेंट आ रहे हैं और मैं आपके कमेंट को रीड भी कर रहा हूं, मुझे बड़ा मजा आ रहा है आपके कमेंट रीड करके, थैंक यू सो मच. तो मैं चाहता हूं आप लोग अब थोड़ा अटेंशन यहां पर दें. तो भाई इंटरोगेटिव सेंटेंसेस अब ये क्या है और कैसे इनको समझना है, तो आपको पहले इनकी कैटेगरी समझनी होगी. दो प्रकार के होते हैं भाई, पहले जिनके शुरुआत आप करते हो हेल्पिंग वर्ब से, पहले जिनकी शुरुआत आप किससे करते हो हेल्पिंग वर्ब से, और दूसरे आपके जो होते हैं वो होते हैं डब्ल्यूएच वर्ड्स, ठीक है. पहले जिनकी शुरुआत आप किससे करते हो हेल्पिंग वर्ब से करते हो, और दूसरे जिनके शुरुआत आप जो है डब्ल्यूएच वर्ड से करते हो. तो जिनके शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से होती है वो कैसे होते हैं देखिए, इधर पहले टेंस के लिखता हूं मैं, थोड़ा सा इसको हम और बड़ा कर लेते हैं, डू डज,
इसमें हैव लगा दो। मैं आपसे पूछूं क्या आपके पास समय है, डू यू हैव टाइम। क्या आपके पास कार है, डू यू हैव अ कार। क्या आपके पास बाइक है, डू यू हैव अ बाइक। क्या रवि के पास बाइक है, डज रवि हैव अ बाइक। सो दिस इज अ वे टू स्पीक। इन द पास्ट यू हैव टू यूज डिड, ऑन द प्लेस ऑफ डू डज यू हैव टू सिंपली यूज डिड, एंड ऑन द प्लेस ऑफ डिड यू हैव टू यूज विल, एंड द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस विल बी सेम। देखो सब्जेक्ट हैव ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट हैव ऑब्जेक्ट, द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस विल बी सेम। So guys, आप देख सकते हैं यहां डू डज लगा, यहां डिड लगा, यहां विल लगा। ऐसे ही आप कॉन्टिन्यूस टेंस को यूज करें, इज एम आर सब्जेक्ट आई एन जी विद वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। क्या आप सो रहे हैं, आर यू स्लिपिंग। क्या आप कुछ कर रहे हैं, आर यू डूइंग समथिंग। क्या आप सीख रहे हैं, आर यू लर्निंग। क्या आप सीख रहे थे पास्ट की बात कर रहा हूं मैं। क्या आप सीख रहे थे, वर यू लर्निंग, दैट इज। और क्या आप सीख रहे होंगे, विल यू बी लर्निंग। क्या आप जा रहे होंगे, विल यू बी गोइंग। क्या आप आ रहे होंगे, विल यू बी कमिंग। क्या आप यहां आते हो, डू यू कम हियर। क्या आप यहां आ सकते हो, कैन यू कम हियर। क्या यह आपका है, इज दिस योर्स। क्या आप तैयार हो, आर यू रेडी। क्या आप बोल सकते हो, कैन यू स्पीक। क्या आप इंग्लिश बोलना चाहते हो, डू यू वॉन्ट टू स्पीक इंग्लिश। क्या वह जाना चाहते हो, डू यू वॉन्ट टू गो देयर। एक चीज जो अपने दिमाग में आज फिट कर लेनी है कि जब भी किसी सेंटेंस की शुरुआत क्या से होती है तो वो सेंटेंस आपका हेल्पिंग वर्ब से बनता है। अब आप कहोगे सर क्या वाले सेंटेंस तो दो होते हैं। देखिए इधर, क्या आप खाते हैं, और दूसरा देखो आप क्या खाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये दोनों सेंटेंस के बीच में बहुत बड़ा अंतर है। सेंटेंस ए और सेंटेंस बी को आप लोग केयरफुली पढ़ें। सबसे पहले लिखा है आप क्या खाते हैं, और दूसरा लिखा है क्या आप खाते हैं। तो क्या आप खाते हैं, इसका इंग्लिश होगा डू यू ईट। इसकी इंग्लिश होगी डू यू ईट। लेकिन आप क्या खाते हैं, इसकी इंग्लिश होगी व्हाट डू यू ईट। ठीक है, इसकी इंग्लिश क्या होगी, व्हाट डू यू ईट। आप क्या बोलते हैं, व्हाट डू यू स्पीक। और क्या आप बोलते हैं, डू यू स्पीक। सो दिस इज द वे, राइट। जब आप इस तरीके से बोलेंगे तो आपको सारी चीजें आसान लगेंगी, राइट। एक सेकेंड, सो दिस इज द वे। जब इस तरीके से आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो सारी चीजें आपके लिए क्या हो जाएंगी, आसान हो जाएंगी, आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। यस, थैंक यू सो मच फॉर योर लवली कमेंट्स। सो देखो ना, यहां पर एक अलग ही आपको डिफरेंस दिख रहा है। आप क्या खाते हैं तो क्या बना, व्हाट डू यू ईट। अब अगर मैंने कहा आप क्या खाते थे या आपने क्या खाया, तो जैसे ही मैंने यहां खाया या खाते थे लिखा, ये डू की ये क्या लग जाएगा, डिड। आप क्या खाओगे, व्हाट विल यू ईट। आप क्या खा रहे हो, व्हाट आर यू ईटिंग। आप क्या खा सकते हो, व्हाट कैन यू ईट। आपको क्या खाना चाहिए, व्हाट शुड यू ईट। मुझे क्या खाना चाहिए, व्हाट शुड आई ईट। मुझे क्या बोलना चाहिए, व्हाट शुड आई स्पीक। इंग्लिश को जब कॉन्सेप्ट के आधार पर सीखोगे देन इट इज गोइंग टू बी वेरी इजी। रटने का टॉपिक नहीं है ये। दिस इज नॉट द टॉपिक टू क्रेम, दिस इज द टॉपिक टू अंडरस्टैंड। ये अंडरस्टैंड करने का टॉपिक है, रटने का टॉपिक नहीं है। ऐसा नहीं कि भाई 10 सेंटेंस याद कर लो, 100 सेंटेंस याद कर लो, इंग्लिश आ जाएगी। ऐसा नहीं होता, दिस इज नॉट अ मैजिक यार। You have to go through with all this practice session, then you can speak confidently. आपके ब्रेन के अंदर ये चीजें फिट होनी चाहिए, ब्रेन के अंदर फिट होनी चाहिए। जब ब्रेन के अंदर सारी की सारी चीजें जाएंगी तो आप confidently बोल पाओगे, आप अच्छे से लर्न कर पाओगे। अभी हम लोग हमारी मोबाइल एप्लीकेशन जिसका नाम है Persona English, जिसके पास नहीं हो वो निकाल लीजिएगा इस एप्लीकेशन को Google Play Store से। इस पर हम लोग ऑनलाइन कोर्स चला रहे, एक लाइव क्लास चल रही है 65 डेज के नाम से, 65 डेज प्रैक्टिस कोर्स। काफी सारे स्टूडेंट्स ने इसमें इनरोल किया है, उसमें टोटल हम स्टूडेंट्स को प्रैक्टिस ही करवा रहे हैं, डेली, सिर्फ और सिर्फ डेली प्रैक्टिस। वो जा रहा है तो बोले ही इज गोइंग, वो जाएगा तो बोले ही विल गो, वो जा सकता है तो बोले ही कौन गो, ये क्या है तो बोले व्हाट इज दिस, आप क्या कर रहे हो, व्हाट आर डूइंग। मतलब शुरू में जब क्लास स्टार्ट होती है, 1 घंटे 20 मिनट की क्लास होती है टोटल, वो 80 मिनट की, तो उसमें शुरू के 20 से 25 मिनट डेली में उनको सिर्फ एक ही चीज करवा रहा हूं, दैट इज प्रैक्टिस। कि भाई ज्यादा से ज्यादा सेंटेंस को बोलो, जितना ज्यादा आप लोग बोलेंगे, और जो भी स्टूडेंट शुरू से अभी तक अटेंड करते आ रहे हैं
वो सारे स्टूडेंट्स में डायनेमिक चेंजेस है। और आप में से कोई इंटरेस्टेड है कि अगर अमाउंट पे कर सकते हैं तो वो कोर्स अभी भी लाइव चल रहा है। अगर मान लीजिए आप बोलोगे सर हम लोग अभी ज्वाइन करेंगे तो हमारी तो क्लासेस छूट गई, अच्छी बात यूट्यूब, अच्छी बात ये है सारे कोर्सेज की कि उसके रिकॉर्डेड सेशन अभी भी अवेलेबल है, जिसका एक्सेस पूरे वन ईयर का आपको मिलेगा। आप एक साल तक देखना चाहे एक साल तक देख सकते हैं। इसके अलावा एक टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम हम लोग चला रहे हैं। टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम में हम लोग टीचर्स को ट्रेनिंग दे रहे हैं कि आपको कैसे बच्चों को पढ़ाना है। यस, वी आर ट्रेनिंग टीचर्स कि आपको कैसे अपने स्टूडेंट्स को कॉन्फिडेंटली पढ़ाना है। और उसमें पूरी कंट्री से हमारे पास टीचर्स जुड़े हुए हैं जो कि उस ट्रेनिंग का फायदा ले रहे हैं, और उस ट्रेनिंग से वो अपने टीचिंग में वैल्यू एड कर रहे हैं। क्योंकि मैंने कहा ना टीचिंग तो सभी कर रहे हैं, एवरी टॉम एंड हैरी इज टीचिंग, बट द थिंग इज दैट कि इफेक्टिव टीचिंग मैटर्स, कि आपके बच्चे के दिमाग में घुस जाए वो चीज, कमजोर से कमजोर बच्चा भी सीख जाए, ये होना चाहिए। मेरा मानना है कि अगर आपकी क्लास में आप 100 बच्चों को पढ़ा रहे हो तो 100 में से 99% बच्चों को आपका कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। ये नहीं कि 100 में से 70 बच्चों को सिखा दिया, 30 तो गधे होते हैं, ऐसा नहीं है, वो गधे नहीं है, उनको सही ट्रैक पर लाने की जरूरत है। इसीलिए टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम हम लोगों ने निकाला है जिसमें हम लोग टीचर्स को ट्रेनिंग दे रहे हैं कि आपको कैसे इफेक्टिव तरीके से अपने स्टूडेंट्स को चीजें दिमाग में फिट करवानी है, राइट? तो जो भी आप में से इंटरेस्टेड है देख सकते हैं उसको। लेकिन मैंने तो आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप YouTube से सीख रहे हो तो दिस इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म यार, दिस इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म। लाखों स्टूडेंट्स ने अभी तक YouTube चैनल से हमारे सीखा है, अपने अंदर इंप्रूवमेंट लाया है, क्योंकि जो टेलीग्राम ग्रुप है ना हमारा, हम उस पर देखते हैं रोज के हमको कम से कम जो है एन एन एवरेज अगर देखे तो हमको पर्सनल मैसेजेस टेलीग्राम पर कम से कम 1000 प्लस में डेली आता है, जिनमें एक ही चीज लिखी रहती है सर आज हमने ये वाला सेशन देखा और इससे हमको ये चीज समझ में आई, थैंक यू सो मच सर। तो टेलीग्राम पर डेली के जो मैसेजेस हमको मिलते हैं ना, तो उससे कहीं ना कहीं हमको ऐसा लगता है कि यार मैक्सिमम कम्युनिटी इस चीज का फायदा उठा रही है, मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो है इस चीज से ज्यादा सीख रहे हैं। और बाकी तो आपके YouTube पर कमेंट्स पढ़ के ही हमारा कॉन्फिडेंस और भी बढ़ता है, हमको लगता है कि यार जो वर्क हम लोग कर रहे हैं, जो चीज हम हमारे स्टूडेंट्स को दे रहे हैं, वो उसमें वैल्यू एड है, और कहीं ना कहीं हमारी पूरी टीम पर्सोना इंस्टीट्यूट की इसमें लगी हुई है। चलिए अभी मैं आपको लेकर चलता हूं। तो ये आई होप कि आपको क्या आप खाते हो और आप क्या खा रहे हो, आप क्या खाते हो, इन दोनों के बीच में आपको अंतर समझ में आया होगा कि दोनों के बीच में बेसिकली डिफरेंस कितना है, राइट? गिव मी दैट बॉटल। Yes. तो भाई कंटिन्यू एक घंटे से बोल रहा था, मुझे ऐसा लगा कि यार थोड़ा सा पानी जरूरी है। सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज लैंग्वेज लर्निंग में ये सारी चीजें हैं, ये सारे पड़ाव हैं जिससे हमको चलना है। अब मैं आपको तैयारी करवा रहा हूं, कल मैंने आपको डेली रूटीन बुलवाई थी, स्पोकन एक्टिविटीज के बारे में बात करते हैं। कल आपको मैंने कहा था कि भाई आपको अपनी डेली रूटीन प्रिपेयर करके आनी है। ऑनेस्टली बताओ कितने लोग करके आए, जरा कमेंट करके लिखो, यस सर वी हैव प्रिपेयर्ड। जितने भी लोगों ने प्रिपेयर होकर आए हैं वो कमेंट करके लिखो कि यस सर वी हैव प्रिपेयर्ड डेली रूटीन, जिन्होंने भी प्रिपेयर करी है डेली रूटीन। क्या बात है, वेरी गुड। कनक यादव जी थैंक यू सो मच, एचएस डिलीशियस थैंक यू सो मच, डिलीशियस क्या है, डेडिकेशन पॉइंट, ओके। नितिन ने करके आए हैं, वकील ने करके आए हैं, और इमरान ने करके आए हैं, चंदन कुमार ने करके आए हैं, चांदनी ने भी, विनोद ने, सोना तिवारी। चलिए मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, मैक्सिम बहुत सारे स्टूडेंट किया है प्रिपेयर्ड, इट इंडिकेट्स। तो भाई डेली रूटीन कल जो आपने करी थी वो थी आपका प्रेजेंट सिंपल टेंस पर, जिसमें मैंने आपसे पूछा था कि भाई व्हाट डू यू डू। अब आपको क्या करना है पता है, अब आपको करना है ये दो वर्क। अब अगले प्रश्न में आपको दे रहा हूं, व्हाट डिड यू डू यस्टरडे, What did you do yesterday? कल आपने क्या किया? मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा है कि कल आपने क्या किया? What did you do yesterday? Right? अब आपको बताना है कि कल आपने क्या किया? तो आपने जो भी काम किया, whatever you did yesterday, आपको सिंपली बोलना है
कि कल आपने क्या क्या किया, तो आपको यूज करना होगा सब्जेक्ट वी टू प्लस ऑब्जेक्ट। अब आप यहां पर वेकअप नहीं कहोगे, अब आप कहोगे वोक अप। यस्टरडे से शुरुआत करोगे तो आप सबसे पहले बताओगे यस्टरडे इट वॉज संडे, यस्टरडे इट वॉज सैटरडे, आई वोक अप अर्ली इन द मॉर्निंग एज यूजुअल बिकॉज आई हैड टू गो टू कॉलेज, दैट्स व्हाई। सो आई वोक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, देन आई गॉट रेडी टू गो टू कॉलेज, देन आई वेंट टू कॉलेज एट 8 o'clock, आई मेट माई फ्रेंड्स इन द कॉलेज, आई अटेंडेड फ्यू लेक्चर्स, देन आई रिटर्न माई होम एट 12 o'clock, तो रिटर्न माई होम, वेंट टू कॉलेज, मेट माई फ्रेंड्स, एट फूड, टुक डिनर, टुक लंच, मीन्स जहां भी वर्ब आ रही है उस वर्ब में हमको सेकंड फॉर्म जो है वो यूज करनी है। जी हमें वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करनी है, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करनी है, ये हमको प्रिपेयर करना है। और इसके अलावा एक और मैं दे रहा हूं जो आपको प्रिपेयर करके आना है नेक्स्ट सैटरडे को, लगे तो अलार्म लगा लीजिएगा नेक्स्ट सैटरडे को, नेक्स्ट सैटरडे को 7:30 अगेन लाइव आऊंगा और फिर संडे के दिन भी लाइव आऊंगा। तब तक के लिए वर्क देकर जा रहा हूं, ये काम पूरा प्रिपेयर रखना आप लोग। व्हाट विल यू डू टुमारो, कल आप क्या करोगे? तो भाई कल तो मंडे हो गया, जितने भी जॉब होल्डर से कल से वही हमारी रेस शुरू होने वाली कल की, है ना, अर्ली इन द मॉर्निंग उठना, राइट, जल्दी से तैयार होकर ऑफिस पहुंचना, स्कूल वाले बच्चों की भी स्कूल से स्टार्ट हो जाएगी, कॉलेज वालों की फिर कॉलेज स्टार्ट हो जाएगी, तो कल से हमारी रूटीन फिर टिपिकल होने वाली है। तो मैं आपको वीकेंड टू वीकेंड मिलूंगा, क्योंकि ये ऐसा टाइम रहता है जिसमें हमारा ब्रेन जो है ना एकदम रिलैक्स्ड होता है। आपको पता है एक रिलैक्स्ड ब्रेन जो होता है ना वो बहुत प्रोडक्टिव वर्क करता है, हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है जब हमारा ब्रेन रिलैक्स मोड में रहता है, लर्निंग बढ़ जाती है हमारी। तो मैं आपको वीकेंड ही मिलूंगा ताकि आप लोग एकदम रिलैक्स्ड मूड में रहो कि भाई सैटरडे वीकेंड, संडे एकदम वीकेंड, मस्ती के साथ सीखेंगे। तो ये आपका इस तरीके से आपको ये प्रिपेयर करना है। पहला वो क्या प्रिपेयर करना है, व्हाट डिड यू डू यस्टरडे, और दूसरा क्या है, व्हाट विल यू डू टुमारो। ये दोनों को आप प्रिपेयर करके आओगे और इसको बोलने की रूटीन, बोलने की प्रैक्टिस। जैसे मैं आपसे पूछूं व्हाट डिड यू डू डेली, तो आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, व्हाट डिड यू डू यस्टरडे, तो यस्टरडे इट वाज सैटरडे एंड आई वोक अप लेट इन द मॉर्निंग, यस्टरडे आई वोक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, जो भी है। टुमारो इट विल बी मंडे, सो आई विल वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, देन आई विल ब्रश माय टीथ, देन आई विल गेट रेडी टू गो देयर, और आई विल, ये सब बोलना आपको रहेगा, राइट। तो ये आपका वर्क जो आपको कंप्लीट करना है, इसके साथ साथ ये आपने सब कुछ प्रिपेयर कर लिया, ये सब कुछ आपका हो गया, ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई, राइट। अब इसके बाद में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको करनी है, आप लोगों को हमने भेज दी है वर्ब लिस्ट, आई होप कि सबको मिल भी गई होगी, टेलीग्राम ग्रुप से सभी जुड़े हैं, तो वर्ब लिस्ट जो है जो आपको मिली है टेलीग्राम ग्रुप में, उस वर्ब लिस्ट को आप अपनी रूटीन का हिस्सा बना ले, जब भी टाइम मिले उसको पढ़े, जब भी टाइम मिले उसको थोड़ा सा पढ़े। और इसके साथ साथ आप लोग जो है अपने वर्कप्लेस पर अगर कहीं पर कोई इंग्लिश बोलने का चांस मिले, सो डोंट मिस इट, राइट। और इसके अलावा जैसे आप ट्रेन में सफर कर रहे हैं, तो आप सफर करते करते मैं ट्रेन में सफर कर रहा हूं, आई एम ट्रेवलिंग इन ट्रेन, मुझे ऑफिस जाना है, आई हैव टू गो टू ऑफिस, मैं लेट हो रहा हूं, आई एम गेटिंग लेट, मैं उसे जानता हूं, आई नो हिम, वह मुझे नहीं जानता, ही डजंट नो मी, इससे आपके ब्रेन में ना सेंटेंस चलते रहना चाहिए। आपके ब्रेन के अंदर जितने ज्यादा सेंटेंसेस इस तरीके से चलेंगे उतना ज्यादा आपकी लर्निंग बढ़ेगी, उतना ज्यादा आप अपने अंदर इंप्रूवमेंट फील करोगे, है ना। वह कॉलेज जा रहा है, ही इज गोइंग टू कॉलेज, वह स्कूल जा रहा है, ही इज गोइंग टू स्कूल, वह स्कूल जाएगा, ही विल गो टू स्कूल, वह कहां है, वेर इज ही, आप कहां हो, वेर आर यू, आप क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या करना चाहते हो, व्हाट डू यू वांट टू डू, क्या आप मुझे जानते हो, डू यू नो मी, आपके ब्रेन के अंदर है ना ऐसे सेंटेंसेस सारे के सारे चलने चाहिए। और जब ऐसे सेंटेंसेस आपके ब्रेन में चलेंगे तो आपकी प्रैक्टिस अपने आप बढ़ जाएगी। बाकी आपको प्लेलिस्ट जितनी भी बेसिक की है डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हो, अगर टेलीग्राम ग्रुप लिंक से नहीं जा पा रहे हो तो सर्च कर लीजिएगा टेलीग्राम पर परसोना इंस्टीट्यूट फॉर इंग्लिश, ये सर्च करिएगा। देखो काफी सारे फर्जी ग्रुप भी हैं, आप फर्जी ग्रुप से ना जुड़े, हमारे ग्रुप के अंदर आपको 40,000 से प्लस मेंबर मिलेंगे। अगर 40,000 से प्लस मेंबर नहीं है, मान लो कुछ 2-3 हजार मेंबर्स है, तो उससे मत जुड़ना, क्योंकि कुछ लोगों ने फर्जी भी बनाकर रखे परसोना के नाम से, ठीक है ना। वो हमारे इंस्टीट्यूट में मतलब जो ग्रुप का जो डाटा है उसको कॉपी करके वो ग्रुप में डाल देते हैं, तो उस ग्रुप से ना जुड़े आप लोग, सिर्फ इसी ग्रुप से जुड़े। दिस इज द ऑथेंटिक ग्रुप, परसोना इंस्टीट्यूट फॉर इंग्लिश, पी कैपिटल होगा, आई कैपिटल होगा, एफ स्मॉल होगा, ई कैपिटल होगा, ठीक है ना। तो करीब 40,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स इस ग्रुप से जुड़े हैं, ये थोड़ा आप लोग ध्यान रखें। तो सारे के सारे नोट्स आपको इसमें मिल जाएंगे, प्रैक्टिस के लिए कॉन्टेंट आपको इसमें मिल जाएगा। बाकी एप्लीकेशन का मैंने आपको बता ही दिया, परसोना इंग्लिश, अगर ऑनलाइन कोर्स करना है तो टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम करना है वो भी कर सकते हैं आप, या 65 डेज वाला, या फिर रिकॉर्डेड सेशंस देखने हैं तो 599 रुपए का एक कोर्स है जिसके अंदर आपको 50 क्लासेस मिल जाएंगी सारी की सारी,
और इसके साथ पूरा स्टडी मटेरियल हमारी 200 पेज की जो बुक है उसका पूरा पीडीएफ फॉर्मेट इसमें अवेलेबल है, नोट्स हैं, टेस्ट पेपर है काफी सारे कि आपको टेस्ट देना है आपके लेवल को चेक करने के लिए, तो काफी सारा कंटेंट है। चलिए आज की क्लास को मैं यही वाइंड अप करता हूं डियर स्टूडेंट्स, एक बार छोटा सा रिविजन करवाते हुए कि आज हम लोगों ने क्या पढ़ा है। तो आप देख सकते हैं कि वॉट वी हैव लर्न टुडे, आज हम लोगों ने ये 12 मोडास देखे, कैन सकता है, कुछ सकता था, विल बी एबल टू, सकेगा, शुड चाहिए, मस्ट चाहिए और टू ही चाहिए। इसको डिटेल में पढ़ना है तो प्लेलिस्ट में आपको सारा का सारा कंटेंट है, वहां से आप इसको अच्छे से स्टडी करें। इसके बाद हमने आज ये चार पांच कुछ इंपेरेटिव सेंटेंस है इनको देखा हमने देखा कि भाई नेवर और ऑलवेज दो एडवर्ब है, जिसमें नेवर का मतलब कभी मत और ऑलवेज का मतलब हमेशा होता है, किस तरीके से उसको यूज करते हैं ये देखा हमने। इसके बाद में हम लोगों ने टू बी और टू हैव बीन, टू हैव और टू हैड के बीच में क्या डिफरेंस होता है उस डिफरेंस को भी समझा। आई होप डियर स्टूडेंट सारी की सारी चीजें आपको समझ में आई होगी। मिलूंगा मैं आपको फिर अगले सैटरडे। यस स्टूडेंट, अगले सैटरडे वीकेंड में फिर मिलने वाला हूं धमाकेदार तरीके से आपको सिखाने के लिए, आपको कुछ नया और वैल्यूएबल कॉन्टेंट देने के लिए। टिल देन मुझे दीजिए परमिशन जाने की, मिलूंगा अगले संडे को, टाटा बाय। और हाँ, अगले सैटरडे और संडे को मिलूंगा वो तो एक अलग है, लेकिन बीच में हमारे आपको वीडियो मिलते रहेंगे, क्लास रिकॉर्डेड सेशन मिलते रहेंगे, टॉपिक पर बेस्ट वीडियोस मिलते रहेंगे। आप और सजेस्ट करके कमेंट करके बताए सर इस टॉपिक पर वीडियो बनाओ, तो वो टॉपिक भी हम लोग लेकर आएंगे। चलिए, जिन्होंने लाइक नहीं किया है जाते जाते फटाफट सेशन को लाइक करके चले जाओ, एक दिन के लिए स्टेटस पे रख लो ताकि मैक्सिमम लोग जो है इसका फायदा ले सके। तो जिन्होंने लाइक नहीं किया जल्दी लाइक करो भाई फटाफट फास्ट। चलिए ठीक है, टाटा बाय, गुड नाइट टू ऑल।